लोन काओ कैश लोन ऑनलाइन ऑनलाइन क्रेडिट लोन ऐप्स ओके। ये गाइस ये एप्लीकेशन के बारे में फुल रिव्यू करूँगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। 50,000 इस ऐप्स का डाउनलोड है, नया नया आया है, ठीक है। एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है इस वीडियो में पता लग जाएगा आपको। 8 MB का ऐप से 1.9 का रेटिंग से, मतलब सबसे घटिया रेटिंग से, मतलब लोगों ने इस एप्लीकेशन को पसंद नहीं किया, ठीक है। लेकिन क्या है रियलिटी इस वीडियो में पता लग जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखता है ऐप्स में सबसे पहले, ठीक है, जो कि सब एप्लीकेशन में दिख रहा है। जैसे गेट अमाउंट नाउ पे क्लिक करोगे, ये आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, फिर एक OTP कोड आएगा, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, ठीक है, देना पड़ेगा, पैन कार्ड आधार कार्ड ये सब चीज़ें नॉर्मली आपको देना पड़ता है सभी ऐप्स में, अगर आप लोन लेने के लिए जा रहे हो तो। यहाँ पर सारी चीज़ें दे दोगे, यहाँ पर देखो इस तरह का इंटरफेस दिख रहा है, ठीक है। देने के बाद आपको सब कुछ दे देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस सब कुछ अपने अगर आपने दे दिया, मतलब लाइक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, पैन कार्ड आधार कार्ड सारी चीज़ें अपलोड कर दी, यहाँ पर सब कुछ हो गया, लास्ट में आपसे मांगा जाता है एक अमाउंट, रैंडम अमाउंट। ये आपके केस में अलग हो सकता है, मेरे केस में अलग हो सकता है, ठीक है। हो सकता है मेरे को 399 दिखाए, आपको 599 दिखाए, तो ये अमाउंट आपको दिख सकता है, ठीक है। वो आपसे मांगेगा पहले, लेकिन आपको देना है, मतलब आपको बोले अगर आप लोन लेना चाहते हो तो ये अमाउंट सबसे पहले आपको पे करना है। जैसे आप लोन अमाउंट पे कर दे तो फीस पे कर दे तो इन ऐप्स को, ठीक है, कि आपको मतलब लगता है कि आपको ये ऐप्स आपको पैसा देगा ये अमाउंट देने के बाद, तो आप जैसे ही दे देते हो अमाउंट, तो इसके बाद आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। क्योंकि ऐसे देखो ये भाई के साथ हुआ है 549 का, और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है 549 का, उस बंदे के साथ हुआ है, इस बंदे के साथ हुआ है 399 का, ठीक है, और भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो ये चीज़ आपको देखना है कि कितने लोगों के साथ फ्रॉड चल रहा है, उसके बाद ही आप देखो ये 299, सबके संग अलग अलग फ्रॉड हुआ है, 399, 299, 549, ठीक है। तो ऐसे में आप इस ऐप्स के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी ना करें, इस ऐप्स को बॉयकॉट करें, यहाँ से प्ले स्टोर पे जाके यहाँ पर फ्लैग कर दें इस ऐप्स को, क्योंकि ये फेक एप्लीकेशन है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे रिव्यू वीडियो पाने के लिए।